Hey guys, this is Shikha and welcome back to my YouTube channel Shevi Chemistry Classes. So guys, आज मैं बहुत ही important मुद्दे के ऊपर बात करने वाली हूँ. Only 15 days are left for the JEE Advanced 2020 और इस 15 days में आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए कि आप best result दे सकते हो, क्या चीज़ें आपको follow up करनी चाहिए, क्या चीज़ें follow up नहीं करनी चाहिए, इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे. देखो, पहले जो वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी वो भी पर्सनल एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के बनाई थी. आज भी ये वीडियोस पर्सनल एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के मैं बना रही हूँ. यानी कि यहाँ पर मैंने अपने टाइम पे क्या चीज़ें फॉलो अप की थी और मेरे को टीचिंग करियर में इतने साल हो चुके हैं, तो उन सारे टीचिंग करियर में मैंने इतने सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया है, तो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बस स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. शेयर ये बोलती तो मैं ज़रूर हूँ लेकिन आप लोग करते नहीं हो, तो शेयर कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो में. तो गाइज, सबसे पहली टिप सुनो, ठीक है. बहुत ही कॉमन चीज़ों को ध्यान में रख के मैं बता रही हूँ. शायद बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस बनाते हैं, बट एक्चुअली मैंने बहुत एक जो है ना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ जो एक्चुअली मैंने भी उस वक्त पे फील की थी. सबसे पहली टिप मैं आपको बताऊंगी, डोंट बी पैनिक. बहुत सारे बच्चे इस वक्त पे पैनिक हो जाते हैं. वो सोचते हैं, मतलब एक बैठते हैं एक पोजीशन पे जहां पर नंबर ऑफ बुक्स आपके पास इधर भी रखी होती है, इधर भी, और आप लोग ऐसे, आपकी हालत खराब होती है, अब क्या पढूं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. मोस्टली स्टूडेंट्स इसी चीज में उलझे हुए रहते हैं. तो इसलिए मैं आपको बोलूंगी, पहले तो अब एनालिसिस करो. किस चीज का एनालिसिस करना है? देखो, जो टॉपिक्स जेईई मेंस में थे, फिलहाल कुछ टॉपिक्स हमारे पास, बहुत सारे ऐसे टॉपिक एक्चुअल में जो जेईई एडवांस में नहीं है, पहले तो सिलेबस छानबीन कर लो, यानी कि सिलेबस को अच्छे से देख लो, प्रिंट आउट रखो सिलेबस का अपने पास और देख लो कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है. तो ये सबसे पहला रहेगा. और सिलेबस को देख करके पैनिक नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं आपको हमेशा एक बात बोलती हूँ कि हमेशा ये एंजाइटी और जो हम पैनिक हो जाते हैं या हमारा स्ट्रेस जो होता है, इट कैन लीड टू डिप्रेशन. वो अभी आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर इस वक्त पे हमने उस चीज को जगह दे दी अपने दिमाग में, तो हमें जो अपने दिमाग से फिलहाल 100% अभी उम्मीद है कि वो काम करेगा, वो कहीं ना कहीं फीका पड़ जाएगा. तो वो गलती आपको नहीं करनी है. इस वक्त पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है, या फिर हम इस वक्त पे हम लोग ये रिस्क नहीं ले सकते हैं. तो अपने आप को एक तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रखो, ठीक है. पैनिक नहीं होना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है जितना ज्यादा हो सके उतना, ठीक है. यानी कि मेनली अगर मैं बात करूं तो अगर डिस्ट्रैक्शन मेनली हमें सोशल मीडिया से भी होता है, तो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो इन दिनों, यानी 15 डेज. मेरा ये पर्टिकुलर सजेशन है सभी जेईई एडवांस और जो भी बड़े बड़े एग्जाम्स लोग देने वाले हैं, उस वक्त पे 15 टू 20 डेज पहले डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. इस वक्त पे अपने आप को सोशल मीडिया से डिसकनेक्ट करो कम्प्लीटली. क्योंकि देखो, सोशल मीडिया में ऐसा तो है नहीं कि जब आप YouTube पे सर्च करना चाहते हो तो आपको वही मिलता है जो आप देखना चाहते हो, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना. आपको बहुत सारी चीजें ऐसे मिलेंगी जो आपको नहीं देखनी चाहिए, बट स्टिल आप उसके ऊपर क्लिक करते हो क्योंकि आपको उसका थंबनेल बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, उसका टाइटल बड़ा अट्रैक्टिव लगता है. तो कई बार काफी सारी चीजें तो हम ऐसे ही ओपन अप कर लेते हैं, तो ये चीज मत करना. मेनली मैं अगर आप सही बात बताऊं तो आप जैसे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है, इस पर डिस्ट्रैक्शन कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी चीजें स्टडी से रिलेटेड आपको मिलती हैं. तो YouTube जो है वो आपको रिकमेंड जो करता है ना वीडियोस, वहां से काम खराब हो जाता है. तो मेनली अगर मैं सीधी सी बात करूं तो थोड़ा सा YouTube से दूर रहने की कोशिश करना, Instagram हो गया, दूर रहने की कोशिश करना. 15 दिन की बात है, उसके बाद तो आपको जो करना है, आपका मन करे वो कर लेना, ठीक है. लेकिन इस वक्त 15 डेज सोशल मीडिया से दूर रहने की पूरी पूरी कोशिश करना प्लीज, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है मेरी तरफ से आपके लिए. दूसरी टिप मैं आपको दूंगी बच्चे, इस वक्त पे आपको दूसरी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, कि मैंने आपको जेईई मेंस के ऊपर जब एक वीडियो बनाई थी मैंने जेईई मेंस पे, तो वहां पर उस वीडियो में मैंने साफ साफ मेंशन किया था कि आप अपने वीक और स्ट्रॉन्ग एरिया को अलग अलग करो, अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ऐसा मैंने वहां पर बोला था. यहां पर जेईई एडवांस के एग्जाम के लिए मैं आपको कहूंगी, डिस्कार्ड द वीक एरिया.
ठीक है, इस वक्त पे जो आपने एरिया एनालिसिस किया था स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया, इस वक्त पे आपको अपने वीक एरिया पे ना काम करके अपने स्ट्रॉन्गर एरिया को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है आपको, क्योंकि इस वक्त पे जब आप ओनली 15 डेज आर लेफ्ट और बहुत ज्यादा सिलेबस है हमारे पास जेई एडवांस का करने के लिए, तो इस वक्त पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उस वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करने लग जाएं। हमारे पास बहुत कम टाइम है, हमें इस वक्त पे सख्त रिवीजन की जरूरत है। और एक चीज और मैं आपको बोल दूंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिलहाल रिवीजन करते वक्त जो आपने पहले, देखो आप जेई मेंस के लिए सारा सिलेबस आप लोग पढ़ चुके हो, अब आप जब जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने एनालिसिस किए होंगे या मार्क किए होंगे जो आपसे उस वक्त पे नहीं हुए होंगे, तो वो एरियाज के ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो फिलहाल, ठीक है। डिस्कार्ड करो जो आपसे नहीं हो रहा है ना, उसको साइड करो अब, ठीक है। आपको उसके ऊपर ज्यादा माइंड नहीं चलाना है, अब स्ट्रॉन्ग एरिया को स्ट्रॉन्ग करो। कंसिडर करो आपको केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको मतलब वहां पे प्रॉब्लम आती ही आती है, तो अब उस 4 चैप्टर्स की बजाय बाकी चैप्टर्स पे काम करो और उसके अंदर हाई स्कोरिंग टॉपिक्स देखो जो आपको जरूरत भी पड़ेगी और जिसके ऊपर आपको स्कोर भी मिलेगा अच्छा खासा। तो अगर आपने इस पेपर्स में ऑब्जर्व किया हो, 2 से 6 तक के एग्जाम में अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, तो आपको प्रूव कर दिया ना केमिस्ट्री ने कि हाई स्कोरिंग है केमिस्ट्री, तो नाउ वर्क ऑन दैट। आपको केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्कोर करवाती है, तो केमिस्ट्री के हाई स्कोरिंग टॉपिक्स के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, फिजिक्स के हाई स्कोरिंग टॉपिक्स के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, ऐसे ही मैथ्स हैगा तो मैथ्स के ऊपर हाई स्कोरिंग टॉपिक्स के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो, जहां से क्वेश्चंस उठ करके आता है उस एरियाज पे फिलहाल काम करने का हमारे पास टाइम नहीं है जो हमसे नहीं हो रहे थे, तो अब तब नहीं हुए तो अब भी नहीं होंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमें उसके ऊपर टाइम वेस्ट क्यों ही करना है, तो उसको डिस्कार्ड कर दो फिलहाल के लिए, ठीक है, डोंट डू दिस, ठीक है। उसके बाद मार्क्ड क्वेश्चंस करो जो आपसे उस वक्त पे नहीं हो रहे थे, उनको फिर से एक ट्राई दो, ठीक है, फिर से ट्राई करने की कोशिश करो, क्योंकि उस वक्त पे और इस वक्त में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस वक्त आपका कहते हैं ना एग्जाम के जस्ट पहले हमारा माइंड जो होता है ना 50% ज्यादा स्पीड से भागने की तरह काम करने लगता है, तो इस वक्त भी ऐसा ही है, एग्जाम पास में हमारा माइंड बहुत ज्यादा अलर्ट हो चुका होता है, और इस वक्त पे हो सकता है वो कुछ एक क्वेश्चंस आप काफी हद तक सॉल्व कर लोगे, ऐसा मेरा मानना है, और आप मुझे जरूर कमेंट में बताना ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड टिप हो गई मेरी तरफ से। थर्ड एरिया में मैं आपको बोलूंगी, बहुत ही कॉमन टिप है, आपको किस तरीके से रिवीजन करना है, एक पैटर्न के हिसाब से रिवीजन करना है आपको, ठीक है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि उनको रिवीजन किस पैटर्न के हिसाब से करना होता है, तो एक पैटर्न बनाओ एग्जाम करते वक्त, जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया था वैसा ही यहां पर आपको फॉलो अप करना है। डेली मॉक टेस्ट करो, ठीक है, जैसे आपको जेई एडवांस में आपको अपने आप को डबल तैयार करना होता है क्योंकि 2 पेपर होते हैं आपके, ठीक है, तो 2 इतनी सिटिंग भी तो होनी चाहिए, समझ रहे हो, कि अभी तो हम लोग गैप ले लेते हैं क्योंकि हमारी हैबिट है कि 1 आवर के बाद हम 10 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं, वहां कैसे करोगे, वहां तो आपको कंटिन्यू काम करना है, पूरा दिन जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां पर अपने आप को तैयार करो सिटिंग के हिसाब से, जिन बच्चों को गैप लेने की हैबिट्स है अब वो थोड़ी इस 15 दिन के लिए अपने आप को तैयार करो कि आप 2 मॉक टेस्ट लगातार कर सको, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा करना होता है हमें एक्चुअल में कि इस वक्त पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करो पहली बात, दूसरी जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आप पैटर्न को एनालिसिस जरूर कर लेना, पैटर्न के बिना तो हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए हमें, तो पैटर्न को एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस चैप्टर वाइज करो, फुल मॉक टेस्ट करो दिन में कम से कम 2 बार, ठीक है, 3 आवर्स 3 आवर्स, बीच में उठना नहीं है, अपने आप को ऐसे बनाओ कि बीच में उठना नहीं है, पानी की बोतल लेकर के बैठो, तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमें अपने आप को 6 आवर्स के हिसाब से तैयार करना है, क्योंकि हम लोग आपको वीडियोस बनाते हुए अक्सर ऐसा कहते हैं बच्चों कि 10 मिनट्स का गैप लो हर आवर के बाद, लेकिन जब एडवांस का पेपर आप देने जाते हो तो लगातार आपको 2 पेपर्स देने पड़ते हैं, है ना, तो 2 पेपर्स के हिसाब से हमारा माइंड जो होता है ना, क्योंकि हमें गैप लेने की आदत होती है, तो हमारा माइंड जो होता है उस हिसाब से तैयार ही नहीं होता उस वक्त पे, तो फिलहाल 15 डेज में अपने माइंड को उस तरीके से तैयार करने की ट्रेनिंग दो, ठीक है। तो उस ट्रेनिंग को कैसे करोगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करो, मॉक टेस्ट करो, और मॉक टेस्ट कैसे करने, आपको दिन में 2 बार कम से कम करो, ठीक है। एक चीज जो मैं आपको बोलूंगी, और आज ही मैंने अन अकेडमी पे क्लास लेते हुए एक बच्चे को बोली थी, अपनी नंबर ऑफ क्लासेस कम करो,
ठीक है, ये शायद आपको वियर्ड लगे, बट मैं आपको बहुत ही सोच समझ कर ये बात कह रही हूँ कि एक दिन में अगर आप 10-10 आवर्स की क्लास ले रहे हो जेई एडवांस के स्टूडेंट हो करके, तो आप गलती कर रहे हो। ठीक है, यस, ये मत करो। आप जब कंसिडर करो, मैं आपके पास आज मैंने मॉर्निंग में 3 आवर्स की क्लास ली आप लोगों से, आप लोगों की, ठीक है, 3 आवर्स की क्लास के बाद अगर इफ यू आर सेइंग कि भाई 12 o'clock तक मैम आप पढ़ाओगे, उसके बाद 12 से 3 तक मेरी फिजिक्स की क्लास है, फिर 3:30 से 6 तक मेरी मैथ्स की क्लास है, तो आप देख लो कितना कंटिन्यूशन हो गया। देख रहे हो आप सेल्फ स्टडी कब करोगे? आपका माइंड तो 9 आवर्स की क्लास लेकर के ही थक गया। तो ये चीज मत करो, ये गलती मत करो। मैंने मॉर्निंग में भी कहा था, अपने आप को इस तरीके से मत उलझाओ कि आपका माइंड एक पॉइंट के बाद काम करना ही बंद कर दे। ऐसा नहीं करना है आपको। इतनी ज्यादा कंटिन्यूशन क्लासेस लेने की कोई जरूरत आपको नहीं है। सेल्फ स्टडी इज द मेन पॉइंट हियर, जहां पर आपको फिलहाल बहुत अच्छे से और बहुत ही स्ट्रोंगली काम करना है। तो आप क्लासेस लो, मैं आपको मना नहीं कर रही, लेकिन दिन में पैटर्न बनाओ आपको किस किस टाइम पे कौन कौन सी क्लासेस रखनी है और एक क्लास कितने आर की रखनी है। देखो, हम लोग सभी बच्चों को टारगेट करके क्लास लेते हैं, ठीक है। मैं भी एक एजुकेटर हूं, मैं चाहती हूँ मेरी क्लास में बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए, लेकिन यार मैं ये नहीं चाहती कि एक बच्चा पूरा दिन पिस जाए बुरी तरीके से, ठीक है। ऐसे तो मुझे ये बात इस हिसाब से एजुकेटर होने के नाते तो बोलने ही नहीं चाहिए थी, लेकिन स्टिल आई एम सेइंग, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, सेल्फ स्टडी का टाइम तो बच्चे आपके पास बचा ही नहीं यार। सेल्फ स्टडी तो इस वक्त पे मेन मुद्दा है, ऑब्जर्व करने का मुद्दा तो सिर्फ अभी चल रहा है। उसके बाद अगर आप 10-12 आवर्स की क्लासेस के बाद आपका माइंड क्या इस स्टेज पे रहेगा कि आप सेल्फ स्टडी कर पाओ? नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको एक पैटर्न बनाना है कितने आज की क्लास आपको लेनी है और एक क्लास के बाद आपको कितने का गैप लेना है। इस चीज के लिए अपने आप को तैयार करो, ये बहुत ही मेन मुद्दा है और इसके ऊपर काम भी करो। दूसरी बात, जो बच्चे, लास्ट टिप बता रही हूं मैं, जो बच्चे बहुत आज की सिटिंग है जिनकी, बैठने की और पढ़ने की, जिनके नंबर ऑफ क्लासेस भी, जैसे अभी मैंने बोला, मैंने काफी सारे बच्चे देखे जो 10 आवर्स की क्लासेस ले रहे हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं मैम थक जा रहा हूँ बहुत बुरी तरीके से, उठने का नहीं पता, बैठने का नहीं पता, खाने का नहीं पता, रात को जागता भी हूं। ऐसा भी नहीं करना है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, सेम आपको भी फॉलो अप करना है बच्चे। डोंट डू दिस विद योर सेल्फ, क्योंकि ये चीज आपको बाद में बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है, तो ये चीजें मत करो, ठीक है। पैटर्न होना बहुत जरूरी है, ठीक है, पैटर्न को फॉलो अप करना सीखो। और उस वक्त पे जो बच्चे जिनकी नाइट में हैबिट्स है या अर्ली मॉर्निंग उठ करके पढ़ने की हैबिट्स है, उनके लिए छोटी सी बात, क्योंकि इस वक्त पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड, काफी सारे बच्चे 12-13 आवर्स की सिटिंग कर रहे हैं, कुछ बच्चे तो 16 आवर्स की सिटिंग कर रहे हैं। वो बच्चों को नींद बहुत आती होगी क्योंकि मौसम भी ऐसा चल रहा है। ईटिंग हैबिट्स डालो, खाते खाते पढ़ाई किया करो, या कुछ भी ड्रिंक रख लो अपने आसपास, जैसे कॉफी रख लो, चाय रख लो, या फिर रात को पढ़ रहे हो तो मिल्टन की बोतल में चाय बना करके रखो, जैसे ही आपको नींद फील हो थोड़ा थोड़ा बीच में कुछ खाते रहो, कुछ पीते रहो। ईटिंग हैबिट्स होने की वजह से या फिर कुछ खाने की वजह से हमारा माइंड जो होता है ना, वो एक्टिव रहता है थोड़ा सा, हमें नींद जैसा फील नहीं होता, हम थोड़ा सा अफेक्टिवली स्टडी कर पाते हैं इस हैबिट की वजह से, जो मैं आज भी फॉलो अप करती हूँ। और स्टिल मैं भी रात को जागती हूँ और मैं भी हमेशा कुछ ना कुछ अपने पास जरूर रखती हूँ, जिसको मैं बोलती हूँ छुटर पुटर। आप अपनी लैंग्वेज में, आप लोग को सुना भी होगा आपने मेरे मुंह से काफी बार, छुटर पुटर रखा करो अपने पास, कुछ भी जो आपको पसंद हो, कुछ भी, काजू बादाम कुछ भी रखना हो, वो जरूर कुछ ना कुछ छोटा सा अपने पास रखो, जो आपको बार बार आपको खाना मिलता रहे, आपके माइंड थोड़ा सा एक्टिव रहे, अफेक्टिवली काम करे। और हमेशा अपने पास पानी भी जरूर रखो, पानी, चाय, कॉफी, जो भी आपको पसंद हो वो थोड़ा थोड़ा जरूर लेते रहना बीच बीच में, ठीक है। तीसरी बात, अगर कोई बंदा इतनी ज्यादा सिटिंग कर रहा है तो बैठे बैठे थक जाता होगा, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। तो वो बच्चे के लिए मैं बोलूंगी, मैंने आपको सुबह मॉर्निंग के सेशन में भी ये टिप दी थी, जो मैं अक्सर अपने सेशन के दौरान आपसे शेयर करती रहती हूँ, उसमें ये भी था बच्चे कि जब भी कंसिडर करो आपने 2.5 आवर्स की क्लास ली, ठीक है। अब टू एंड हाफ आवर्स की क्लास में, जैसे आज मैंने आपको वन शॉट कराया था, तो वन शॉट सीरीज में मैंने आपको सारी चीजें रिवाइज की थी, पॉइंट टू पॉइंट मैंने सब चीजें आपको रिवाइज कराई थी कि देखो इसका ये पॉइंट है, इसका मेन पॉइंट ये है, इसका मेन पॉइंट। अब आप बुक को मत देखो, देखो ये बहुत अच्छा तरीका अपने माइंड को जज करने का कि आप वहां पर उस क्लास में कितनी अफेक्टिवली प्रेजेंट थे, ये आपको पता लग सकता है इस हैबिट से। कैसे करना है आपको, देखो जो चीजें मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताई,
ठीक है, उसके बाद आप क्लास लेने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करो, बिल्कुल मतलब अपने माइंड को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शांत करो। उस दौरान आप अपना मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो, या फिर डांस करना है तो डांस करो यार, जिससे आपको रिलैक्स फील हो वो करो। ठीक है, तो शाम को थोड़ी देर के लिए वॉक के लिए निकला करो, ताकि वॉक से क्या होता है, हम थोड़ा सा यू कैन से हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, ठीक है, मेंटली भी फिजिकली भी दोनों तरफ से। ठीक है, तो उस वक्त पे ये हेल्थ भी तो मेन इंपॉर्टेंट है, हेल्थ है तो सब है, हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो कहाँ जाओगे यार एग्जाम देने, नहीं जा सकते ना, तो हेल्थ का ध्यान रखना भी जरूरी है। तो क्या करोगे, शाम को जब आप ये रिवाइज करने बैठो, रिविजन करने बैठो, तो बुक नहीं खोलनी है आपको, याद करने की कोशिश करो, आईज क्लोज योर आईज और याद करो मैम ने ये पॉइंट बताया था, ये पॉइंट बताया था, ये पॉइंट बताया था, पॉइंट पॉइंट करके अब पूरा चैप्टर रिवाइज करो, कोशिश करो पूरा चैप्टर रिवाइज करने की। कह रही हूं मैं, हमेशा कहती हूँ केमिस्ट्री रिटन से होती है, लेकिन अब आप रट चुके हैं वो सारी चीजें अब आपको, ठीक है, समझ रहे हो, रिटन प्रैक्टिस अब बहुत कर चुके हो, पॉइंट टू पॉइंट याद करने की कोशिश करो, अच्छा ऐसा था, अच्छा था, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे अटैक किया था। अब इमेजिनेशन आना शुरू हो जानी चाहिए आपके माइंड में, अगर आप एक जेई एडवांस के स्टूडेंट हो तो, और अगर आप ड्रॉपर हो तो, अगर आप एक नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो, ठीक है, ये सबके ऊपर अप्लाई होता है, या फिर उन सभी स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है जो कि गवर्नमेंट जॉब या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और नाउ 15 डेज या 10 डेज आर लेफ्ट फॉर देयर एग्जाम, तो ये सबके ऊपर अप्लाई होता है। हमेशा ऐसे किया करो, पॉइंट बाई पॉइंट चीजों को रिवाइज किया करो। तो गाइज ये चीज हर एक सब्जेक्ट के ऊपर फॉलो अप होती है, अगर आप सेशन को रिवाइज कर रहे हो, रिवाइज करते हुए 4 से 5 चीजों को भूल रहे हो, दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल, ह्यूमन भैया ह्यूमन टेंडेंसी है, कई बार कई चीजें हमें ध्यान नहीं रहती, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप बहुत सारी चीजें भूल रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने इफेक्टिवली उस लेक्चर को अटेंड नहीं किया है, और अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो आपको अपने बारे में एक बार सोचने की जरूरत है कि जो आप 10 to 12 आवर्स जो नंबर ऑफ क्लासेस ले रहे हो, क्या उसका आउटपुट आपको मिल रहा है? अगर आपको आउटपुट ही नहीं मिल रहा तो आप वो क्लासेस क्यों ले रहे हो? बहुत ही सिंपल और बहुत ही तरीके से मैं ये बात कह रही हूँ कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 to 12 आवर्स लगातार क्लासेस ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं? क्या उनका आउटपुट 10 to 12 आवर्स है? अपने आप से ये पूछना, अपने आप के लिए ये एनालिसिस करना, ये बहुत जरूरी है कि आप, और ये एनालिसिस करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, वॉक करते करते रिवाइज करो, पॉइंट बाय पॉइंट याद करो। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन का अटैक भी याद कर रहे हो, इवन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, अगर आप किसी चीज का मैकेनिज्म भी याद कर रहे हो, तो याद करो कि वहां पर डबल बॉन्ड था, उस डबल बॉन्ड ने उसके ऊपर अटैक, इस तरीके से अपनी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो फिलहाल, ठीक है, क्योंकि इस वक्त हमें अपने ऊपर एनालिसिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि क्या आप इतनी सारी नंबर क्लासेस का आउटपुट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको 12 आवर्स की क्लास लेने के बाद आउटपुट अच्छा मिल रहा है, फिर तो यार क्या कहें, लगे रहो। ठीक है, अगर आप आउटपुट नहीं दे पा रहे हो तो प्लीज इतनी ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, इतने नंबर ऑफ क्लासेस लेना इतना छोटी बात नहीं है, अपनी सेल्फ स्टडी पे काम करना, मैं आपको बोलूंगी अपनी सेल्फ स्टडी पे काम करो, उस वक्त पे अपने आप को इतना टाइम देने की आपको जरूरत है, ना कि इतने सारी नंबर ऑफ क्लासेस पे आपको टाइम देने की जरूरत है। ठीक है, ये मेरे लिए ये शायद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप रहेगी मेरी तरफ से आपके लिए। ठीक है, क्योंकि मोस्टली टीचर्स यही कहते हैं कि यार नंबर ऑफ क्लासेस लो, नंबर ऑफ क्लासेस लो। मैं ये बात नहीं बोल सकती क्योंकि मैं भी जानती हूँ, मैं भी कभी स्टूडेंट थी और मैं अभी भी एक स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, मतलब मैं PhD कर रही हूँ तो मैं एक स्टूडेंट ही हूँ। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे और बहुत ही इफेक्टिवली इसको अपना के देखना, और मेरे को बताना कि ये टिप्स कितनी इफेक्टिवली आपके ऊपर फॉलो अप होती हैं, आपके लिए कितनी बेनिफिशियल रही हैं, ये मुझे जानना है, कमेंट्स में जरूर बताना। और गाइज प्लीज इस वीडियो को शेयर करना हर एक जेई एडवांस या फिर ऐसे स्टूडेंट्स के साथ या ऐसे एस्पिरेंट्स के साथ जिनका एग्जाम अभी आने वाला है। ठीक है, तो स्पेशली ये सारे स्टूडेंट्स को डेडिकेट है ये वीडियो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, और मैं देखना चाहूंगी कि इस वीडियो का रिजल्ट कैसा मिलता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये टिप्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होंगी, बहुत इफेक्टिव आप लोगों के लिए होंगी, और 15 डेज में आप इन सारी टिप्स को अपना करके एक बेस्ट रिजल्ट जरूर दोगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो गाइज नीट वालों को ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक मैं कभी कहती नहीं हूँ, क्योंकि लक खराब भी हो सकता है, लक अच्छा भी हो सकता है, इसलिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बच्चों, मेरी विशेज आप लोगों के साथ हैं, और आप लोग डेफिनेटली अच्छे से परफॉर्म करोगे, और
एक वीडियो है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी कि लास्ट दिन आपको क्या क्या चीजें फॉलो अप करनी चाहिए, क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उसको चेकआउट जरूर कर लेना एग्जाम से पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखना अपना।